हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार टेट वैकेंसी 2022 के ऊपर बात करेंगे कि टीईटी वैकेंसी 2022 है वो कब से आपका फॉर्म फिल होगा और कब जो है आपका एग्ज़ाम होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार टीईटी कौन कौन से लोग दे सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे और कितने पेपर का होता है इसमें टीईटी में एग्ज़ाम, उसके ऊपर बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर बात करेंगे, एज के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ आपके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो हर एक पॉइंट को जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जो है पूरी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीईटी बिहार टीईटी 11 जून को, मतलब कि आपका 11 जून को जो है एग्ज़ाम होने वाली है। यह कंफर्म अभी डेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स जो है वो सही है। आवेदन जो है 6 से 25 अप्रैल तक होती है। प्रीवियस ईयर का देख ले तो आपका हर साल जो होता है अप्रैल और मई जून जुलाई के आसपास जो होता है, ये 2-3 महीने के अंदर में जो होता है बिहार टेट जो होती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो इस बार भी जो है यही रहने वाली है। तो आप जो भी स्टूडेंट है वो बिहार टीईटी के तैयारी में लग जाए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होगा और जल्द ही जो है इसका रिजल्ट भी जो है आपका घोषित होगा। तो आप इसकी तैयारी के लिए लग जाए। तो इसकी तैयारी करने से पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितना होता है, एज क्या होता है और इसका जो सिलेबस है वो कितना होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर कटिंग, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर खुद पढ़ ले। जैसे यहाँ देख ले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है प्रारंभिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो टीईटी होता है उसकी तिथि जो है घोषित कर दी है 11 जून को, और इसका जो आवेदन प्रक्रिया होगा वो 6 से 25 अप्रैल से होगा, उसकी साइट पर होगा, बिहार बोर्ड के जो साइट है उसके ऊपर जो है आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा केंद्र पर जो है इस बार बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की बात कही गई है अटेंडेंस के लिए, ताकि किसी प्रकार का कदाचार नहीं हो पाए, कदाचार मुक्त जो है परीक्षा ली जाएगी। तो यह जो है आपका बिहार टीईटी वैकेंसी 2022 के इम्पोर्टेंट जो है नोटिस है। अब हम बात करेंगे कि बिहार टीईटी जो है कौन कौन से लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से पेपर होते हैं। तो मैंने यहाँ नोट किया है, उसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बिहार टीईटी वैकेंसी 2022 और बिहार टीईटी कौन कौन जो है दे सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो होता है बिहार टीईटी 2022 जो होगा, इसमें आपके सीटेट की तरह ही जो होते हैं दो पेपर होते हैं। पेपर वन जो होते हैं इसमें जो होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के होते हैं, और पेपर 2 जो होते हैं इसमें क्लास 6-8 के होते हैं। मतलब कि पेपर 1 वह दे सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन के नीचे वाले लोग हैं, जो कि क्या एलिजिबिलिटी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं अभी एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। पेपर 2 जो है वह 6-8 के लिए होता है और पेपर 1 जो होता है 1-5 के लिए होता है। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं और टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें जो होता है आपका स्पेसिफाई सब्जेक्ट जो होता है जो कि इसके लिए निर्धारित किया गया है उससे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके जनरल अवेयरनेस से जो होते हैं 50 प्रश्न जो होते हैं मिला जुला कर पूछे जाते हैं। टोटल जो होता है आपका 150 नंबर के होते हैं और 150 प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं, और आपका एग्ज़ाम जो होता है 2.5 घंटा का होता है। तो आप बातों को समझते चलेंगे धीरे धीरे। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है आपका जो होता है क्लास 6-8 के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं, मार्क्स भी होते हैं 150 नंबर के होते हैं, स्पेसिफाई सब्जेक्ट जो होते हैं इससे 100 प्रश्न होते हैं, और जनरल अवेयरनेस से जो होते हैं 50 प्रश्न होते हैं। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस होता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और बोथ पेपर अगर एक बार ही भरते हैं तो उसके लिए कम देने पड़ते हैं। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं तो 500 रुपये, और दोनों को एक बार भरते हैं तो आपको 800 रुपये देने पड़ते हैं। यह आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व जो भी कैटेगरी बच जाते हैं उनको 300 रुपये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। मान लीजिए कोई पेपर 1 ही भर रहा है तो उसको 300 रुपये, लेकिन कोई अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरेगा तो उसको 500 रुपये लगेंगे। उसी तरह जनरल और OBC के लिए अगर केवल एक पेपर भरेंगे तो आपको 500 लगेंगे, और दोनों पेपर भरेंगे तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो यह जो था आपका एप्लीकेशन फ़ी था। अब हम एज के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका एज क्या है बिहार टीईटी के लिए, कि कैटेगरी वाइज एज क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल मेल के लिए जो पुरुष होते हैं उनके लिए जो है 37 साल है, 37 साल तक के व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं 18 से ऊपर के। और इसमें देख ले सेकंड है आपका फीमेल, जनरल फीमेल ही जो है उसके लिए 3 साल का रिजर्व कोटा है, उनका 40 वर्ष है। फिर OBC आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 42 वर्ष है, और रिजर्व जो बच जाते हैं SC और ST कैटेगरी उनका जो है 40 वर्ष है। यह जो है आपका एज क्राइटेरिया है।
अब हम बात करेंगे कि पेपर वन जो है कौन दे सकता है और पेपर टू जो है कौन कौन दे सकता है। तो पेपर वन जो है कौन दे सकता है इसके लिए ऊपर बात कर ले। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जो होता है वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर वन वाले जो भी बैठेंगे एग्जाम में वो केवल क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के ही जो है टीचर बन पाएंगे। तो यह वन टू फाइव होता है पेपर वन, इसमें जो है वह व्यक्ति बैठ सकता है पेपर मतलब देने के लिए जो क्लास ट्वेल्व जो है 45% मार्क्स से पास हो, क्लास ट्वेल्व जो हो पास हो एनी बोर्ड से, बिहार बोर्ड या सीबीएसई हो, उनका 45 जो परसेंट है उससे ज़्यादा मार्क्स हो, 45 अप्रॉक्स हो, उसके साथ साथ जो व्यक्ति डीएलएड किया हो या जो बच्चा डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, बीटीसी किया हो या पीटीसी होता है वो किया हो, वही जो है इसके लिए इजी लेवल है। मतलब वन से फाइव तक के लिए वही बच्चा जो है भर सकता है जो कि क्लास ट्वेल्व पास हो और साथ ही साथ उसके चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, कुछ भी हो, तो ये तीनों चार जो हो क्लास ट्वेल्व पास और प्लस डीएलएड बीएड और बीटी पीटीसी हो, तो वही बच्चा जो है पेपर वन के लिए जो है एलिजिबल है, वह पेपर वन जो है दे सकता है जो कि क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेपर टू के ऊपर कि पेपर टू जो है कौन दे सकता है। जिस तरह जो है सीटेट के सिलेबस होते हैं ठीक इसी प्रकार के जो है सिलेबस होते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं बाकी सेम ही सेम रहता है। पेपर टू जो है आपका देख ले कि कौन कौन जो है आपका दे सकता है। तो यह क्या होता है, 6 to 8 क्लास के लिए होता है पेपर टू। आपको पता है कि यह जो परीक्षा होती है वह 6 to 8 के लिए होता है पेपर टू, और पेपर वन जो होता है 1 से 5 तक का होता है। इसमें वह व्यक्ति दे सकता है जो कि ग्रेजुएशन जो हो एनी स्ट्रीम से पास आउट हो 50% मार्क्स से, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% मार्क्स से और उसके साथ साथ जो है बीएड किया हो 50% मार्क्स से, तो वह जो है स्टूडेंट जो है पेपर टू के लिए जो है एलिजिबल है, वह पेपर टू जो है भर सकता है, बोथ पेपर वह भर सकता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पेपर वन और पेपर टू जो है कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं। अब जो है हम पेपर वन और पेपर टू के जो है सिलेबस के ऊपर बात कर ले, जो कि आपका लास्ट ईयर पॉइंट है, क्योंकि सिलेबस को जानना जो है जरूरी है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी करते हैं उनको सिलेबस पता होगा, क्योंकि वही सिलेबस जो होता है बीटेट जो बिहार टीईटी होता है इसके जो होते हैं वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो पेपर वन जो है समझ गए आप, सिलेबस जान लेते हैं जो कि 1 से 5 तक के लिए होता है। तो इसमें जो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से जो होता है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं या 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। फिर आपका सेकंड आता है पेपर लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हिंदी और उर्दू होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वह जो होता है इसमें भी 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। फिर आपका मैथ आ जाता है जो कि आपका 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडी या ईवीएस आ जाते हैं जो कि 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। और लास्ट आता है लैंग्वेज टू, जिसमें मैथिली हिंदी इंग्लिश उर्दू ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें भी जो होते हैं 30 प्रश्न और 30 नंबर के होते हैं। टोटल आपका जो होता है 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है और टोटल प्रश्न जो होते हैं 150 होते हैं और 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। अब हम बात कर लेंगे पेपर टू के ऊपर। तो पेपर टू जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से जो होता है आपका 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज वन से जो होते हैं इसमें भी 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज टू से जो होते हैं 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। मैथ और साइंस मिलाकर जो होता है आपका 60 नंबर के प्रश्न होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल जो होते हैं 150 प्रश्न 150 नंबर के होते हैं। तो यह जो था आपका बिहार टीईटी का सिलेबस है जो कि पेपर वन और पेपर टू का है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने इस वीडियो में जो है बिहार टीईटी जो है कौन कौन दे सकता है, अप्लीकेशन फ़ी, पेपर के बारे में बताया, एज के बारे में बताया और सिलेबस के बारे में बताया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।